तो हेलो भाई लोग, कैसे हो यार? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड एक और न्यू इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लेकर। और भाई लोग, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल लाइट की टॉप 6 सीक्रेट और खतरनाक ग्लिच एंड ट्रिक्स के बारे में, जिसका यूज करके दोस्तों आप गेम में काफी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो और एंड जोन में बड़े ही आसानी से चिकन डिनर भी ले सकते हो। दोस्तों, ये सारे के सारे ग्लिच एंड ट्रिक्स बहुत ही आसान है, आपको इसको करने में ज्यादा मुश्किल या परेशानी नहीं आएगी, और खास कर दोस्तों ये आपको एंड जोन में बहुत ज्यादा काम आ जाए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले फ्रेंड्स, तो प्लीज यार आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं ग्लिच एंड ट्रिक्स नंबर 1 से। दोस्तों, आप पायलट प्लाजा के पास इस वाली जगह को तो अच्छे से जानते ही होंगे, जहां दोनों तरफ बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बिल्कुल ओपन फील्ड है। और दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लास्ट जोन यहीं पे बन जाता है, और अगर आप यहां पे ओपन में रहोगे तो कोई भी आपकी पेटी चमका देगा, क्योंकि दोस्तों यहां दूर दूर से कहीं से भी गोली आपको पड़ सकती है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको यहां पे एक बहुत ही सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताऊंगा, जहां पर न केवल आप छुप सकते बल्कि काफी अच्छे से एंड जोन तक सर्वाइव भी कर सकते हो। काफी अच्छा कवर आपको मिल जाएगा, और उस कवर से आप काफी अच्छे से बाहर के इंड जोन में जितने भी बंदे आपको दिखेंगे उनको आप काफी इजीली किल कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहाँ सामने एक पेड़ दिखेगा जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है, आप चाहो तो इस पेड़ के अंदर जा सकते हो। आपको क्या करना दोस्तों, बस आपको पेड़ की ओर आगे की ओर जंप कर देना, और आप काफी इजीली इस पेड़ के अंदर चले जाओगे। और देख सकते हो दोस्तों, पेड़ के आसपास जितनी झाड़ियां हैं उससे आपको काफी अच्छा कवर मिल जाएगा, और कोई भी बंदा आपको यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगा। आप काफी इजीली यहाँ पे छुप सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, और बाहर के बंदों को भी आप मार सकते हो। और अगर आप लकी रहे तो इंड जोन में आपको ही चिकन डिनर मिले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। तो दोस्तों, आपने थर्ड हिल के पास ये वाला नीला हाउस तो देखा ही होगा, ये वाला घर आपको पूरे भरेंगा मैप में बहुत जगह मिल जाएगा, जहां जहां मिलेगा हर जगह वह ग्लिच वर्क जरूर करेगा। तो कौन सा है ग्लिच, चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों, कई बार होता क्या है कि इस नीले वाले हाउस के ऊपर छत पे यहां सीढ़ियों के पास बंदे काफी हार्ड कैंप करके बैठे रहते हैं स्टोल के और आरपीजी लेके, और जैसे ही आप सीढ़ियों से आते हैं तो आपकी पेटी चमका देते हैं। तो ऐसे में इन कैंपर से कैसे बचना है और इनको कैसे मारना है, चलिए वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सेकंड फ्लोर पे आ जाना है, और सामने जो आपको सोफा दिख रहा है ना, उसके ठीक ऊपर आपको चढ़ जाना है, जैसे कि अभी फिलहाल मैं चढ़ रहा हूँ। दोस्तों, बिल्कुल इस सोफे के टॉप पे आपको चले जाना है, और सामने जो काठ की अलमारी आपको दिख रही है उसकी तरफ मुंह करना, और उसके बाद दोस्तों आपको अपना बैकपैक ओपन करना है, एस्केप का यूज का बटन दबाना, और बूम बाम गाइस, आप डायरेक्टली बिल्डिंग के ऊपर छत पे आ जाओ, और फिर यहाँ सीढ़ी पर कैंप कर रहे बंदे को काफी इजीली मार सकते, और उनकी पेटी बड़े ही आराम से बना सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा सेकंड नंबर ग्लिच, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, आपने विलेज के पास ये वाला ट्रिपल हाउस तो देखा ही होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों कि कुछ बंदे ट्रिपल स्टोरी के सेकंड फ्लोर या फिर थर्ड फ्लोर पे स्टोल की आरपीजी लेके बहुत ही हार्ड कैंप कर रहे होते हैं, और ऐसे में हम जैसे ही सीढ़ियों से जाते हैं तो हमारी पेटी बना देते हैं। तो इस ट्रिपल स्टोरी वाले कैंपर से कैसे बचना है और उनको कैसे मारना है, इसका मैं आपको एक लेजेंड तरीका बताऊं, वो भी विथ प्रूफ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बग्गी खड़ी है, और ट्रिपल स्टोरी के अंदर एक बंदा बहुत ही खतरनाक कैंपिंग कर रहा है, तो देखो मैं इसको कैसे बजाता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ठीक ट्रिपल स्टोरी के बाहर ढेर सारी गठरियां दिख रही है ना, आपको इस गठरी पे चढ़ जाना, उसके बाद सामने आपको एक छोटा सा शेक दिख रहा होगा, उसके ऊपर जंप कर देना है, और आप काफी इजिली इस शेक के ऊपर आ जाओगे। उसके बाद अब देखो, तो आपने देखा दोस्तों कितनी आसानी से इसको सरप्राइज अटैक दे मैंने इस ट्रिपल स्टोरी वाले कैंपर को मार दिया। तो दोस्तों, आपको भी विलेज के इस ट्रिपल स्टोरी के अंदर कोई कैंपर दिखे तो सीढ़ियों से नहीं बल्कि इस तरीके से जाके उसको मारना, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चले दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 4। तो दोस्तों, हमारा नंबर 4 ट्रिक वर्क करता है पायलट प्लाजा के पास। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार पायलट प्लाजा में इस जगह लास्ट जोन बन जाए। अब देख सकते हो दोस्तों, सामने टावर है, इधर बिल्डिंग है, कहीं से भी आपको गोलियां पड़ सकती है और आपकी पेटी बन सकती है, क्योंकि दोस्तों ये पूरा ओपन फील्ड है। में दोस्तों बंदे कहीं भी इधर उधर छुप के कैंप कर रहे होते हैं, और इस जगह लास्ट जोन बनने के बाद अगर आपको चिकन डिनर लेना ना, तो मैं आपको एक बहुत ही ओपी तरीका बताऊं। दोस्तों, आपको क्या करना, आपको टावर पे नहीं जाना, कहीं घर के अंदर नहीं जाना, बल्कि सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है आपको इस पेड़ के अंदर चले जाना है, बिल्कुल इस तरीके से। और देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको काफी अच्छा कवर भी मिल जाएगा, और एंड जोन में ये वाला ट्रिक आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। और दोस्तों, कभी भी अगर यहाँ पायलट प्लाजा के पास यहाँ पे एंड जोन बनता है तो ये वाला ट्रिक जरूर कर रहा,
चिकन डिनर तो आपको ही मिले। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह 4 नंबर ट्रिक, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लग रही हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नंबर 5 की। तो दोस्तों हमारा 5 नंबर ट्रिक वर्क करता है थर्ड व्हील के ट्रिपल स्टोरेज में। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि थर्ड व्हील के ट्रिपल स्टोरेज में बंदे फर्स्ट फ्लोर पे या फिर सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियों के पास काफी खतरनाक कैंपिंग कर रहे होते हैं। तो इन कैंपर से हमें कैसे निपटना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ठीक ये बगल वाला जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर चले जाना, और इसके बाद इसकी छत की जो बाउंड्री है ना इसके ऊपर चढ़ जाना और पीछे से थोड़ा रन अप लेके आगे की ओर दौड़ना है और आपको इस छपरे पे जंप लगा देना। उसके बाद इस खिड़की के जरिए आप काफी इजिली ट्रिपल स्टोरी के सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, और उसके बाद दोस्तों यहाँ सीढ़ी पर कैंप करे बंदे को काफी इजिली पीछे से सरप्राइज अटैक देके उसकी पेटी बना दो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा 5 नंबर ट्रिक ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट है और एक बहुत ही खतरनाक ग्लिच भी। दोस्तों अभी आप देख सकते हो कि मेरा आधा से ज्यादा शरीर जमीन के अंदर धंसा हुआ है, सिर्फ मुंडी ही बाहर। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा ही जमीन के अंदर जा सकता हूँ, और अंदर से बाहर का नजारा देखिए दोस्तों बहुत ही ओपी और अमेजिंग लग रहा है। दोस्तों यह ग्लिच वर्क करता है थर्ड हिल के ब्रिज के पास, वह ब्रिज जो इस डिस्ट्रिक्ट की ओर जाता है। उस ब्रिज के पास मैंने ये बहुत ही खतरनाक अंडरग्राउंड ग्लिच करके यहाँ पे बैठा हुआ, और दोस्तों मुझे अंदर से बाहर पूरा नजारा दिख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं चाहूँ तो अंदर से बाहर के बंदों को भी काफी इजीली मार सकता हूं। कोई भी बंदा बाहर से ना तो मुझको देख पाएगा और ना ही मुझे अंदर मार पाएगा। यह बहुत ही अमेजिंग और ओपी ग्लिच है दोस्तों। अगर कभी यहाँ पे लास्ट जोन बनता है और आपने यह खतरनाक ग्लिच कर लिया तब तो भाई हाथों कोई भी बंदा नहीं बच पाएगा, आप सबकी पेटियां चमका दोगे और भाई चिकन डिनर वो तो आपको ही मिलेगा। तो कैसे करते हैं ग्लिच चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको थर्ड हिल और सेंट्रल रोड के बीच में जो ये वाली जो जगह है जहाँ पे आपको गाड़ी के ऊपर इस तरह का पटरा दिख जाएगा और यहाँ पे 2-3-4 लोहे के बॉक्स भी आपको दिख जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ठीक इस पटरे के पास आना है और आपको बिल्कुल इस तरह से खड़े हो जाना। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे ढेर सारी लाइन बनी हुई है, उसमें से आपको ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ठीक इन दोनों लाइन के बीच में आपको खड़े होना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली पंच प्लस जंप दोनों का बटन एक साथ दबाना और आप काफी इजीली दोस्तों जमीन के अंदर चले जाओगे। आप देख सकते हो मैं काफी इजीली यहाँ जमीन के अंदर चला गया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको तैरते हुए थर्ड हिल के ब्रिज के पास आना है। तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो पूरा आपको तैरते हुए थर्ड हिल के ब्रिज के पास आना है, और यहाँ आने के बाद आपको जो ये पत्थर दिख रहा है ठीक इस पत्थर के ऊपर चले जाना, और यहाँ से आप काफ़ी इजीली चारों तरफ ना केवल नज़र रख सकते हो बल्कि जहाँ जहाँ तक आपको बंदे दिखे आप काफ़ी इजीली उन बंदों को मार भी सकते। अगर कभी यहाँ पे लास्ट जोन बनाते हो दोस्तों आप एक बार इस ग्लिच का यूज जरूर करना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस ग्लिच से बाहर कैसे निकलते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो यहाँ से भी काफ़ी इजीली इस तरीके से ग्लिच से बाहर निकल जाओगे, निकलना दोस्तों बहुत ही आसान। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे यह 6 नंबर ग्लिच ये मुझे कमेंट में जरूर, और हाँ दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और टॉप 1 से लेकर 6 के बीच आपको कौन सा ग्लिच या कौन सा ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हाँ दोस्तों अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर ऐसे ही पबजी मोबाइल लाइट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आते ही रहते हैं। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू गाइस।